हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश सेक्टर 144 चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक घटना को अंजाम देकर फरार हो रही हैं। तभी पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैर में जा लगी। इसी दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए। ये बदमाश गाड़ियों का शीशा तोड़कर लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 6 लैपटॉप, एक स्कूटी व 2 देसी तमंचे और एक पिस्टल जो कि शीशा तोड़ने के काम आती थी बरामद की। तस्वीरों में घायल दिख रहे दोनों बदमाश राहुल और महेश हैं, जो कि दिल्ली के मदीनगर इलाके के रहने वाले हैं और गाड़ियों का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी का गैंग चलाते थे। एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में ये गैंग सक्रिय था, जो कि खड़ी गाड़ियों का शीशा तोड़कर उनसे लैपटॉप बैग चोरी कर फरार हो जाता था। क्योंकि गाड़ी का शीशा तोड़ के लैपटॉप और अन्य वैल्यूएबल्स लूट के और चोरी करके ले जाने वाले गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। ये मदनगिर दिल्ली के रहने वाले हैं, इनका पहले से आपराधिक इतिहास भी है और ये सिटी में और देहात क्षेत्र में नोएडा में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। काफ़ी घटनाएँ इनसे वर्कआउट हुई हैं और जो पहले गैंग पकड़े गए हैं उनसे भी संभवतः इनका कोई इस तरीके का लिंक है, जो मदनगिर के पहले अभियुक्त पकड़े गए हैं और इन लोगों की PCR पे लेके और पूछताछ इनसे की जाएगी। जो लैपटॉप इनसे बरामद हुई, इनके क्या करते थे? लैपटॉप बरामद हुए 6 के 6 लैपटॉप पूर्व में घटित घटनाओं से लिंक हो गए हैं और ये कुछ सिटी के थाना क्षेत्रों से शीशा तोड़ के लूटे गए थे और कुछ देहात क्षेत्र से ये लिए गए थे। कल जब ये बदमाश रात के समय घटना को अंजाम देकर फरार हुए, तभी एक सूचना फ्लैश हुई, जिसके बाद सूरजपुर पुलिस की टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की 2 गोली बदमाशों के पैर में जा लगी। गोलीबारी में ये दोनों घायल हो गए। ये दोनों बदमाश दिल्ली के मदनगर इलाके के रहने वाले हैं। बदमाशों की पहचान राहुल व महेश के रूप में हुई। इनके पास से 6 लैपटॉप, 1 स्कूटी, 2 देशी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजने के बाद इनके जेल जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, Time24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।